रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में ऐसा बल्लेबाजी कर रहे हैं क्योंकि लग रहा है वो शुरुआती में बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन लग रहा है कि वो अंतिम का जो 10 ओवर रहता है ना उसमें बैटिंग करने कर रहे हैं, क्योंकि वो शुरू से ही आते हैं और अटैकिंग मूड में खेलते हैं और काफी अच्छा बंदा, किसी बॉलर को कुछ नहीं पूछते हैं, हर एक बॉलर को रन मारते हैं। जिस तरह कोई अगर बैट्समैन होता है तो एक आध बॉलर को मारेगा, एक आध बॉलर को जो काफी अच्छा बॉलिंग करेगा उसको रोकेगा और जो थोड़ा ढीला बॉलर रहेगा उसको मारेगा, लेकिन रोहित शर्मा ऐसा नहीं है, हर एक बॉलर को जो कि रन बनाते हैं, जिसके लिए टीम इंडिया का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा और पिछले जो बल्लेबाज है जो कि उनके वजह से काफी अच्छा वो भी बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआती में रन बना के दे देते हैं, उसके बाद उन लोगों को रन बनाने में आसान हो जाता है, फिर आसानी से रन बनाते जाते हैं। तो इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का कमाल का बैटिंग रहा जो कि काफी अच्छा प्रदर्शन किए हैं। और कल जो कि सेमीफाइनल में इस तरह से टीम जिस तरह से सेमीफाइनल में कल खेला उस तरह से नहीं खेल पाए, क्योंकि शुरू का जो दो तीन बल्लेबाज होता है 2015 में भी जो सेमीफाइनल हुआ था 2019 में उसमें नहीं चल पाया था, लेकिन इस बार जो टीम कुछ खास था अलग कर रहा था जिसके वजह से शुरू का भी टीम चला, जो कि रोहित शर्मा काफी अच्छा बल्लेबाजी किए, उसके बाद सुमन गिल भी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, उसके बाद विराट कोहली भी आए बल्लेबाजी कर रहे थे, फिर सुमन गिल काफी स्पीड खेलने लगे जिसके वजह से फिर उनको क्रैम्प आ गया और वो फिर रिटायर हट हो गए चले गए, उसके बाद फिर श्रेयस अय्यर आया उन्होंने फिर अकेडिंग मूल्य ले लिया, जिसके बाद कोहली को मौका मिला और वो अपना शतक पूरा किए, जो कि वो तो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ मतलब बराबरी कर चुके थे, लेकिन अब था उनका रिकॉर्ड का तोड़ना जो कि कल वो सेमीफाइनल में किए और बड़ा मैच में बड़ा मोमेंट और बड़ा बनाए, जो कि वर्ल्ड कप में वनडे में सबसे ज्यादा अगर शतक है तो वो मतलब विराट कोहली का जो कि 50 शतक जो कि अभी तक किसी ने नहीं बनाया और सचिन तेंदुलकर का भी पार कर चुके हैं और एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। और श्रेयस अय्यर भी कल शतक बनाया जो कि काफी अच्छा बैटिंग किए और उसके बाद फिर केएल राहुल आया, काफी अच्छा फिनिशिंग टच दिया, उसके बाद लग रहा था कि वहां पे सूर्या को भेजना चाहिए लेकिन केएल राहुल भी आके काफी अच्छा बैटिंग किए और सूर्य कुमार भी आए जो कि छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए, लेकिन टीम इंडिया का कल अच्छा प्रदर्शन रहा जिसकी वजह से टोटल स्कोर पहुंचा 397 का लक्ष्य मतलब बनाया और 398 का लक्ष्य न्यूजीलैंड के, जो कि लग रहा था कि अब यहां से मैच हम लोग आसानी से जीत जाएंगे, न्यूजीलैंड का टीम उतना खास नहीं कर पाएगा क्योंकि हमें बॉलिंग जो धार है टीम इंडिया का इस बार काफी शानदार है, लेकिन यहाँ पे बैटिंग करने आए कोनवे, स्टार्टिंग में कोनवे और रचिन रविंद्र जो कि बैटिंग करने आए शुरू में, लेकिन लग रहा था कि काफी अच्छा बैटिंग कर रहे थे कोनवे शुरू में, बुमराह का जो कि ओवर था काफी अच्छा, चौके भी मारे दो चौके, उसके बाद सिराज को भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे कोनवे, लग रहा था कि वो रन बनाएंगे, लेकिन वहां पे जो मोहम्मद शमी आए और वो जो छाए काफी अच्छा प्रदर्शन किया मोहम्मद शमी, जो कि आते ही फर्स्ट बॉल पे कोनवे का जो कि कैच जो कि केएल राहुल काफी शानदार कैच लिए, जो कि लग रहे काफी अच्छा बैटिंग भी किए और काफी अच्छा विकेट कीपर भी किए, क्योंकि कल का जो वो कैच था डेविन कोनवे का काफी लाजवाब कैच लोके, जो कि काफी शानदार कैच जो कि विराट कोहली भी इनको शाबाशी देते हुए, क्योंकि काफी छलांग मार के वो कैच के लिए और काफी अच्छा इस वर्ल्ड कप में विकेट कीपर कर रहे हैं केएल राहुल जो कि, और काफी अच्छा बैटिंग भी कर रहे हैं जिसके वजह से नंबर 5 पे वो काफी अच्छा विकेट कीपर बल्लेबाज है जो कि काफी अच्छा प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में कर रहे हैं। और मोहम्मद मिशेल काफी शानदार लय में वो दोनों खेल रहे थे, किसी भी बॉलर को नहीं पूछ रहे थे, काफी अच्छा बैटिंग कर रहे थे। उसके बाद मोहम्मद शमी आए, उसके छूटने के बाद फिर मोहम्मद शमी अपना जलवा दिखाया और लग रहा था कि जब दो तीन विकेट लिए तो वो लग रहा था कि आज वो पंजा खोलेंगे, क्योंकि दो मैच में वो पंजा ले चुके थे, 5 विकेट गिरा चुके थे, लेकिन इस बार लग रहा था कि फिर पंजा लेंगे और वो आए और पंजा नहीं 7 खोल के गए, मतलब 7 विकेट लिए और न्यूजीलैंड को टीम को बिखेर के रख दिए, जिसके वजह से न्यूजीलैंड के हार का सामना करना पड़ा। और मोहम्मद शमी कल जो कि बॉलिंग उनका काफी धारदार बॉलिंग रहा और इस वर्ल्ड कप में काफी धारदार बॉलिंग भी कर रहे थे और सबसे ज्यादा 50 विकेट मतलब वनडे में लेने वाले भी मोहम्मद शमी बन गए और काफी अच्छा प्रदर्शन किए। कल उनका विकेट मतलब ही हो गया, लगता है वो 23 विकेट हो गया जो कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वो इस वर्ल्ड कप में बन गए हैं और काफी अच्छा बॉलिंग किए जो कि मोहम्मद शमी, और हम लोग इस मैच को जीत गए।